आज हम एमपी बोर्ड की क्लास 3 उसका लेसन 6 इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ बच्चों के मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज ख़त्म कर देती हूँ, फिर धीरे धीरे आपको चैप्टर समझाती जाऊँगी, उसकी वीडियो भी मैं धीरे धीरे अपलोड करती जाऊँगी, ठीक है बच्चों। तो इसके क्वेश्चन आंसर समझने के लिए पहले जो क्वेश्चन आंसर में सबसे ज़्यादा मीनिंग आए हैं वह मैं आपको लिखवा देती हूँ। बच्चों जो मैं मीनिंग आपको बताती हूँ ना आप उनको बिल्कुल नोट करिए, क्योंकि मैं वही मीनिंग बता रही हूँ जो आपके क्वेश्चन आंसर में आ रहे हैं, तो आप उन्हें अच्छे से याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में और उनको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करूँगी। तो बच्चों चलो हम इसके पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है लिव, लिव मीनिंग इनके क्वेश्चन आंसर में ये आने वाले हैं ज़्यादातर, और जिस मीनिंग का यूज इससे पहले वाले चैप्टर में हो चुका है वह मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसमें मैं आपको सिर्फ नए नए मीनिंग बताऊंगी, ठीक है। तो पहले दिया है लिव, LIVE, लिव, लिव मीन्स होता है रहना। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स क्या होता है संतरा, जिसको हम नारंगी भी बोलते हैं। IN, इन मीन्स होता है मैं। WHO, हूँ यानी कौन। FRIEND, फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स कौन होते हैं दोस्त, हम बोलते हैं ना ये हमारा फ्रेंड है। एट, EIGHT, एट मीन्स आठ, जो हम गिनती का आठ होता है उसको एट बोलते हैं, ठीक है। ईयर, YEAR, ईयर, ईयर मीन्स होता है साल या वर्ष, अपन कहते हैं ना आप कितने साल के हो तो उसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, ईयर। ओल्ड, OLD, ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है पुराना। फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट मीन्स होता है पहला। तो बच्चों आप सभी सबसे पहले इन मीनिंग को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद में इन्हें याद कीजिए, फिर आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया है वर्ड पावर यानी कि शब्द सामर्थ्य। तो ए नंबर पे दिया है कंप्लीट यानी होता है पूरा करना, कंप्लीट दी सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिए हैं हमें इनको क्या करना है पूरा करना है। तो पहला नंबर दिया है आई एम सविता, आई मिस होता है मैं, एम यानी हूँ सविता, तो सविता कहाँ पे रहती है, तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। आई लिव ऑन सांची रोड, कहाँ पे रहती है ये, सांची रोड पर। तो देखो बच्चों जब भी रोड आए ना तो उसके आगे हमको ऑन लगाना है, क्या लगाना है ऑन, ठीक है। दो नंबर दिया है आई एम बाला, ये बाला है ये कहाँ पे रहती है, आई लिव ऑन द रोड स्टेशन रोड, ये भी कहाँ पे रहती है रोड पर रहती है। अगर जैसे आप कोई सी सिटी में रहते हो या किसी नगर में रहते हो तो आपको उसके आगे इन लगाना पड़ेगा, और यदि आप रोड पर रहते हो तो उसके लिए आपको ऑन का यूज करना पड़ेगा। तो तीसरा दिया है आई एम अरिफ, अरिफ कहाँ पे रहता है, आई लिव इन नेहरू नगर, आई लिव इन नेहरू नगर। तो देखो ये इन लगा दिया हमने इसके आगे, जब भी किसी नगर का बात हो किसी शहर की बात हो तो हमको इन लगाना है, ठीक है। चलिए अब हम बी प्रश्न पर आते हैं, अरेंज द लेटर टू राइट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो लेटर दिए हैं ये बिल्कुल गड़बड़ और गलत करके दिए हैं, तो आपको इनको सही जमा कर सही लिखना है कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है बाल, बाल मिस गेंद, इधर ये ऑरेंज दिया है तो इधर ऑरेंज की स्पेलिंग आ जाएगी, ठीक है। ऑरेंज मिस संतरा, ये बैग दिया है तो इधर बैग की स्पेलिंग भरेंगे, इधर मिल्क की स्पेलिंग लिखना है, इधर मैंगो, मैंगो की स्पेलिंग लिखनी है, और इधर लिखनी है हमें पेंसिल की स्पेलिंग। तो देखिए बच्चों आप इस तरह से इसे भर लीजिए। बच्चों देखो दूसरा प्रश्न दिया है कॉम्प्रेहेजन क्वेश्चन यानी कि बोध प्रश्न, टिक द करेक्ट आंसर, टिक यानी कि अपन को टिक लगाना है इस तरह से, जो सही उत्तर है उस पर हमको क्या करना है टिक लगाना है। हूँ लिव इन नेहरू नगर, नेहरू नगर में कौन रहता है, अरिफ, तो पहला आंसर इसका सही है, कौन है अरिफ। देखिए दूसरा दिया है हूँ इज बालाज फ्रेंड, बाला का फ्रेंड कौन है, बाला का फ्रेंड कौन है अस्मा, अस्मा पे हमको टिक लगानी है। हूँ इज एट ईयर ओल्ड, एट यानी मैंने बताया था एट मीन्स आठ होता है, ईयर यानी साल, तो आठ साल का कौन है, कौन है इधर आठ साल का सविता, कौन है सविता, सविता पे टिक मारना है। हूँ इज नाइन ईयर ओल्ड, नौ साल का कौन है, नौ साल का अरिफ है, तो हमने अरिफ पर इधर टिक लगा दिया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे कुछ ग्रामर दी है तो ये हमें समझना है, ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हम आगे सॉल्व करेंगे, पहले इसके ग्रामर समझते हैं। ग्रामर इन यूज, ठीक है, ग्रामर मतलब होता है व्याकरण।
पहला दिया है इन इंग्लिश कैपिटल लेटर आर यूज फॉर, फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस दिए हैं पार्ट में जो पहले किस किस का नाम आया है वो हमको लिखना है। फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द पीपल लाइक कौन कौन से हैं, देखो बाला है, अरिफ है, सबीता है, अस्मा है और अरिफ, ये सभी क्या है फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस के पहले लेटर हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ विलेज, विलेज मीन्स होता है गांव, ठीक है, टाउन मतलब जो गांव, टाउन यानी कि होता है कस्बा, सिटी यानी शहर और रोड, तो इनके जो पहले शब्द हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो एक रतनपुर है, रायसेन, ग्वालियर एंड लिंक रोड, ठीक है। अब दूसरा दिया है फुल स्टॉप, ये जो बिंदी दिख रही है आपको इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। इज यूज एट द सॉरी फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, ठीक है। तो जब ये फुल स्टॉप रहता है तो इसका यूज हमको कैसे करना है, तो देखिए जब भी कोई सेंटेंस आता है ना, जैसे आई लिव इन सुभाष नगर, तो हमें लास्ट में जब सेंटेंस ख़त्म हो जाए तो इस तरह से हम फुल स्टॉप लगाते हैं, जैसे कि हिंदी में हम डंडा लगाते हैं ना, इसी तरह से हम इसमें बिंदी लगाते हैं लास्ट में। और फिर एक क्वेश्चन मार्क, जो ये ऐसा दिया है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन मार्क। जब हम कभी प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, नहीं तो वह सेंटेंस गलत माना जाता है। तो क्वेश्चन मार्क इज यूज आफ्टर ए क्वेश्चन, मतलब हर प्रश्न के आखिरी में, हर प्रश्न के बाद में आपको ये क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर यानी होता है कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ, डू यू लिव आप कहाँ रहते हो, प्रश्न है आप कहाँ रहते हो, किसी से हम पूछते हैं तो इसके बाद में हमने क्या लगा दिया ये क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यूज कैपिटल लेटर फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क इन दी सेंटेंस, जो ये सेंटेंस दिए हैं इसमें आपको फुल स्टॉप का यूज करना है और क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। तो देखिए हम करते हैं, सविता इज बालाज फ्रेंड, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप का यूज कर दिया, बिंदी लगा दी। देखिए अरिफ लिव ऑन गांधी रोड, अरिफ लिव, लिव यानी रहता है, ऑन गांधी रोड, गांधी रोड पे रहता है, तो ये भी कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं हम, ठीक है, तो इस पे भी हमें क्या लगाना है फुल स्टॉप। वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हो, ये प्रश्न है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, लेट्स टॉक आओ बातचीत करें, ठीक है। तो ये तो आपको स्वयं भरना है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। आस्क द गिवन क्वेश्चन टू एनी फोर ऑफ योर क्लासमेट, क्लासमेट यानी कि आपके जो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे आपको प्रश्न करने हैं एंड कंप्लीट दिस टेबल, और इस टेबल को भरना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है, जो भी आपके दोस्त हैं उनका नाम लिखना है क्लास में जो पढ़ते हैं, इधर उनकी उम्र लिखनी है, एज, एज मिस उम्र, इधर प्लेस, प्लेस मिस होता है स्थान, तो आपको वो कहाँ पे रहते हैं वो लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। और लाइक टू ईट, लाइक यानी होता है पसंद करना, टू ईट, ईट यानी खाना, वो खाने में क्या पसंद करते हैं वो आपको इधर भरना है। तो ये टेबल तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। हाँ ये जो प्रश्न दिए हैं इनके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। ये बच्चों क्या दिया है, पहला प्रश्न दिया है व्हाट इज योर नेम, तो इसका आंसर लिखना पड़ेगा माय नेम इज, यहाँ पे अर्पित लिखा है, आप चाहें तो जो आपका नाम हो वो आपको इधर लिखना है। वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हो, आई लिव ऑन नेताजी रोड, ये कहाँ पे रहता है नेताजी रोड पे, आप जिस जगह रहते हो ऑन के बाद में, अगर आप रोड पे रहते हो तो आपको ऑन के बाद में लिखना है, अगर आप किसी शहर में रहते हो तो आपको यहाँ पे लगाना है इन, आई एन इन, ऐसे लिखना पड़ेगा। आई लिव इन भोपाल रहते हो तो भोपाल, सिरोंज रहते हो तो सिरोंज, विदिशा रहते हो तो विदिशा, इस तरह से। तीसरा प्रश्न दिया है व्हाट डू यू लाइक आप क्या पसंद करते हो, तो आपको जो पसंद है, जैसे आई लाइक प्लेइंग, प्लेइंग यानी प्ले होता है खेलना, मैं खेलना पसंद करता हूँ। हाउ ओल्ड आर यू आप कितने साल के हो, तो आई एम 7 ईयर ओल्ड, आप जितने साल के हो वो यहाँ पे लिखना है, 8 साल के हो तो 8 लिखना है, 9 साल के हो तो 9 लिखना है, आई एम 7 ईयर ओल्ड, इस तरह से आपको ये भरना है। अगला 5वां प्रश्न दिया है लेट्स राइट आओ लिखें, रीड अबाउट अनिल, रीड यानी होता है पढ़ना, अबाउट मीन्स होता है बारे में, रीड अबाउट अनिल, अनीता, सलमा एंड रानी एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, पहले इसके बारे में पूरा पढ़ना है, रानी के बारे में, अनीता के बारे में, अनिल के बारे में, सलमा के बारे में,
फिर जो आगे टेबल दी है उसको आपको पूरा करना है, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ते हैं हम। अनिल इज 9 ईयर ओल्ड, अनिल जो है वह 9 साल का है, 9 ईयर ओल्ड है। ही लिव इन नेहरू नगर, वह नेहरू नगर में रहता है। ही लाइक्स क्रिकेट, और उसे क्रिकेट पसंद है, ठीक है, उसे क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। अनीता इज 8 ईयर ओल्ड, अनीता कितने साल की है, 8 साल की है। सी, अब देखो लड़की के लिए सी लगाते हैं और लड़के के लिए ही लगाते हैं, तो सी लिव्स इन सुभाष नगर, ये कहाँ पे रहती है, सुभाष नगर में रहती है। सी लाइक बैडमिंटन, जो बैडमिंटन होता है ना उसको ये पसंद है, आप लोगों ने देखा होगा वो चिड़ी बल्ला बोलते हैं जिसको, वो इसको पसंद है। सलमा इज 9 ईयर ओल्ड, सलमा इज 9 ईयर ओल्ड, यानी कि सलमा 9 साल की है। सी लिव ऑन पटेल रोल, यह पटेल रोड पर रहती है। सी लाइक्स रीडिंग, रीड यानी क्या होता है, पढ़ना, तो रीडिंग इसको पढ़ना पसंद है, ठीक है। रानी इज 8 ईयर ओल्ड, रानी जो है वो 8 साल की है। सी लिव्स ऑन होशंगाबाद रोड, और ये कहाँ पर रहती है, होशंगाबाद रोड पर रहती है। सी लाइक्स फुटबॉल, और इसको फुटबॉल खेलना पसंद है। तो बच्चों जब हमने वो सेंटेंस पढ़े थे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ये बनना है। देखो बच्चों हमने जो सेंटेंस पढ़े थे आपको उसी हिसाब से यहाँ पे बनना है। पहले यहाँ पे नाम लिख देंगे, अनिल, अनीता, सलमा, रानी, ये हमने नाम लिख दिए हैं, जो जो इसमें नाम आए थे। इनकी एज कितनी थी, एक 9 साल का, अनीता 8 साल की, सलमा 9 साल की, रानी 8 साल की, ठीक है। तो ये इनकी एज लिख दी है।